एस सी वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 14। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एयर इन अ रीजन लीनियरली इंक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2 अ स्पेस ऑफ विड्थ डी। फाइंड द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव टू गो थ्रू द रीजन इन टर्म्स ऑफ T1, T2, डी एंड स्पीड वी ऑफ साउंड एट 273 केल्विन। Evaluate this time for T1 is equal to 220 Kelvin, T2 is equal to 300 Kelvin, D is equal to 33 meter and V is equal to 330 meter per second. तो यहाँ पे एक रीजन दिया हुआ है और ये रीजन जहाँ पे स्टार्ट होगा वहाँ पे टेम्परेचर T1 केल्विन होगा और यहाँ ये रीजन की विड्थ दी है D और दूसरा एंड वहाँ पे टेम्परेचर T2 होगा और T1 इज लेस देन T2 तो T1 से यहाँ जैसे जैसे हम राइट साइड में आ रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है और T1 टेम्परेचर T2 बन रहा है, लेकिन ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो लीनियरली इंक्रीजेस, मतलब यहाँ पे जो इंक्रीज होगी उसी टर्म में यहाँ पे और इंक्रीज होगा, जैसे और इंक्रीज होगा और तो ये जो इंक्रीज होने का रेट होगा हर जगह पे वो कॉन्स्टेंट रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है T1 यहाँ पे कुछ टर्म ऐड होगी फिर इसमें ऐड होगी तो सेम टर्म ऐड होगी तो ये लीनियरली इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है। मतलब जैसे कि सपोज यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम, सपोज ए पॉइंट, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर T1 तो T1 से कुछ ज़्यादा होगा, तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा यहाँ पे, तो सपोज मान लेते कि यहाँ पे एक रीजन हम अगर सिलेक्ट करते कि जिसकी विड्थ होगी डेल्टा एक्स। अब इस रीजन को कहाँ पे लिया हमने, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर इस रीजन को ले लिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज कितनी है T2 - T1, टेम्परेचर की रेंज कितनी है T2 - T1, तो ये टेम्परेचर की रेंज जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वो पर यूनिट लेंथ कितना होगा इंक्रीज डिवाइडेड बाय डी। तो ये लीनियरली मतलब ये हर जगह पे सेम इतने ऐड होगा, ये लीनियरली इंक्रीजेस, मतलब इतना प्रीवियस टेम्परेचर जो भी है नेक्स्ट रीजन पे इतना टेम्परेचर ऐड होगा, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, मतलब ये चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, अब जितनी मतलब पर यूनिट डिस्टेंस, अब यहाँ पे हमने एक्स डिस्टेंस ले लिया तो इस एक्स इंटू करते इसे इंटू एक्स करते तो इतना यहाँ से इतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इस जगह पे, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, तो पहले T1 था प्लस इतना ऐड होगा उसमें, मतलब सपोज कि ये एक्स पॉइंट पर एट एक्स कहाँ से एट डिस्टेंस एक्स यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, तो टेम्परेचर एट एक्स कितना होगा, तो पहले T1 था प्लस उसमें इतना टेम्परेचर ऐड होगा, कितना T2 - T1 डिवाइडेड बाय इनटू एक्स, ये होगा टेम्परेचर एट एनी रीजन विच इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड, तो इतना टेम्परेचर होगा। अब हमें क्या बोला है, क्या फाइंड करना है कि टाइम फाइंड करो कि यहाँ से साउंड वेव ट्रैवल होती है तो यहाँ तक आने के लिए उसे कितना टाइम लगने वाला है। तो अब ये टाइम तो कितना लगेगा, डिस्टेंस, टाइम तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे हर एक रीजन ट्रैवल करने के लिए अलग अलग टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि वेलोसिटी हमने लास्ट कुछ न्यूमेरिकल में देखा है कि ये वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। कैसे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा और ये पी डिवाइडेड बाय रो, ये फॉर्मूला हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे पी का कुछ यूज नहीं, टेम्परेचर के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, तो आइडियल गैस से हम जैसे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ये गामा की वैल्यू, पी की वैल्यू की जगह पे ए वैल्यू पुट करते हैं अगर हम एन आर टी डिवाइडेड बाय ए वी और ये रो, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये सभी कॉन्स्टेंट्स हो गए, ये सभी कॉन्स्टेंट है, तो ये वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड है, ये वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड है, तो इस रीजन पे हर जगह पे टेम्परेचर अलग अलग है, तो हर जगह पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो हर एक रीजन ट्रैवल करने के लिए अलग अलग टाइम लगने वाला है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड करना है। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक स्मॉल रीजन
जिसकी विड्थ डी एक्स होगी, स्टार्टिंग से एक्स डिस्टेंस पर एक रीजन चूज किया। अब इस रीजन के लिए कितना टाइम लगेगा, लेट से डी टी कितना टाइम लगेगा, तो डी टी टाइम कितना किसे लग रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, डी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए तो इतना टाइम लग रहा है। और वहाँ पे वेलोसिटी होगी सपोज वी, वहाँ पे वेलोसिटी होगी ये वी, डी टी टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ आने के लिए, हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। तो टोटल टाइम कितना होगा, तो टोटल टाइम हर एक ऐसे रीजन में उसे डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल रीजन में, तो हर रीजन में जितना टाइम लगेगा डी टी उसका ऐड करना है, मतलब इसे इंटीग्रेट करना है, तो टोटल टाइम जो आएगा टी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल डी टी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, डी टी की वैल्यू क्या है, डी एक्स अपॉन वी, डी एक्स अपॉन वी। टोटल टाइम टी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई वी, और वी की वैल्यू ए पुट करेंगे तो ये अंडर रूट गामा, एन की वैल्यू वन लेते हैं, ये आर टी डिवाइडेड बाय रो इंटू वी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये वी फॉर वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम इज मास, तो ये इसे लिखते हैं मास। ये टाइम का टी है और ये टेम्परेचर का टी है, टी की वैल्यू वैसे हमें एट एक्स इतनी मिल गई, एट एक्स इतनी मिल गई, तो ये टी की वैल्यू यहाँ ए पुट कर देते, तो टी ए टाइम के लिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये कांस्टेंट है बाहर ले लेते अंडर रूट गामा आर, और इस एम को बाहर ले लेते, और टी की वैल्यू अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट में ये वैल्यू पुट करते हैं, टी वन प्लस टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय डी और इनटू एक्स, तो ये होगी टोटल टाइम की वैल्यू, टोटल टाइम की वैल्यू। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन अब ये तो पूरा ब्रैकेट के बाहर ही लेना है, ये इक्वेशन किस तरह से रहेगा, तो ये टी इज इक्वल टू ये ब्रैकेट के बाहर में ले लिया वन अपॉन अंडर रूट में गामा आर अपॉन एम को बाहर ले लिया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में टी वन प्लस ए टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय डी और ये एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन इसका हमें इजी फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, कि जैसे कि ये इंटीग्रेशन है डी एक्स ऊपर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक टी वन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, उस एंड का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो इसे ए लिखते हैं, प्लस या ब्रैकेट में यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ए कॉन्स्टेंट और ए कॉन्स्टेंट, तो ये पूरी टर्म कॉन्स्टेंट, तो इस कॉन्स्टेंट के लिए सपोज बी लिख देते हैं और एक्स, तो ये इंटीग्रेशन करना होता तो कैसे करते, तो इस इंटीग्रेशन को लिख देते पहले ए ऊपर ले लिया, तो क्या आएगा अंडर रूट में ए प्लस बी, ए प्लस बी एक्स, और ऊपर लाया तो माइनस बनेगा, अब ये ए प्लस बी एक्स का वन अपॉन टू है ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस वन अपॉन टू और ए डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एस टू एन होता है, तो एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन अपॉन वन, एन प्लस वन, तो ये इंटीग्रेशन तो पहले तो क्या बनेगा ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी एक्स और एन प्लस वन, मतलब ये एन प्लस वन इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा हाफ डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगेन हाफ, और ये एक्स भी ए भी फंक्शन है बी का, तो इसका इंटीग्रेशन करते तो ये आएगा बी, तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन ये आ जाता। तो इसी फॉर्म में यहाँ पे ए के जगह पे टी वन है और बी के जगह पे ए ब्रैकेट है, तो इसका इंटीग्रेशन इसी फॉर्म में अगर लिखना है हमें, तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन आएगा टी इज इक्वल टू यहाँ पे टी इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट टर्म तो बाहर लिखते थे वन अपॉन अंडर रूट एक गामा आर और ए एम और ये इंटीग्रेशन, अब ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में मतलब ये ए हमने टी वन के जगह पे लिखा, तो ये लिखना है हमें टी वन प्लस बी, बी इस ब्रैकेट के लिए, इस ब्रैकेट के लिए, तो ए आएगा टी टू माइनस टी वन
डिवाइड बाय डी, ये हुआ एक ब्रैकेट इनटू एक्स, तो इनटू एक्स भी लिखा, इनटू एक्स भी लिखा और रेज टू हाफ, तो ये रेज टू पूरा ब्रैकेट का हाफ और डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू बी, बी किसके लिए लिखा, ये बी इस ब्रैकेट के लिए, तो ये टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय डी, तो इस तरह से लिख दिया। अब ये जो टर्म है यहाँ पे, अगर ऊपर नीचे हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अंडर रूट में टी, और यहाँ पे भी अंडर रूट में टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म यहाँ पे क्या मिल रही है हमें, हमें वेलोसिटी की टर्म मिल रही है, रो इनटू वी क्या है, मास ही है, तो ये मास, तो ये वी मिल रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि वी कौन सा लेना है, वेलोसिटी कौन सी लेने है एट टेम्परेचर 273, मतलब टेम्परेचर अगर 273 होगा, इस टेम्परेचर को अगर हम 273 लिख देते, यहाँ पे भी 273 लिख देते, तो ये V बन जाएगा, मतलब ये T इज इक्वल टू अंडर रूट 273 और ये बनेगा अंडर रूट में V, तो ये आएगी वेलोसिटी एट दिस टेम्परेचर, और ये ब्रैकेट का अब ये 1 अपॉन 2 जो होगा ये उल्टा बन के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और D भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 ये D और ये डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, अब ये और यहाँ पे लिमिट्स इंटीग्रेशन सॉल्व किया, लेकिन लिमिट्स कहाँ से कहाँ लेना है हमें, यहाँ से यहाँ तक, तो ये x वैरी हो रहा है, x वैरी हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक x हो गया, यहाँ पे जीरो होगा स्टार्टिंग में जीरो होगा, और ये रीजन d लेंथ का है, तो ये जीरो टू d इस तरह से ये लिमिट्स जीरो टू डी पुट करना पड़ेगा, तो ये लिमिट पुट करना है, तो टी वन प्लस यहाँ पे टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन और डिवाइडेड बाय डी, और एक्स के जगह पे पहले डी लिख देते, फिर माइनस ये लिमिट जीरो पुट करना है, तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा टी वन और हाफ, तो ये पहला लिख दिया हमने हाफ माइनस यहाँ पे टी वन रहेगा सिर्फ और ये हाफ, तो ये बन रहा है टी इज इक्वल टू ये टू डी अंडर रूट 273 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में वी, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, तो लिमिट पुट किया तो ये डी कैंसिल होगा और टी वन प्लस टी टू माइनस टी वन माइनस टी वन, तो ये प्लस टी वन माइनस टी वन चला जाएगा, तो ये सिर्फ टी टू रहेगा, टी टू और ये हाफ, तो इसे लिख सकते हैं हम टी टू और ये माइनस और ये अंडर रूट टी वन, और ये यहाँ पे टी टू माइनस टी वन, यहाँ पे पूरा लिख देते से ब्रैकेट डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। अब टी टू माइनस टी वन को भी इसके थोड़े से अरेंजमेंट करेंगे, तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं, टू डी अंडर रूट 273 डिवाइडेड बाय रूट वी, अब ए रूट टी टू माइनस रूट टी वन, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे कि टी टू माइनस अंडर रूट में टी वन और फिर से यहाँ पे टी टू प्लस अंडर रूट में टी वन, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसका ए स्क्वायर मतलब टी टू अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये टी टू बनेगा माइनस ए टी वन बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में फिर इसे लिख दिया, तो ये अब ये कट होगा और सिर्फ ये यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे लास्ट में हमें टी मिल रहा है 2d अंडर रूट 273 डिवाइडेड बाय रूट फी और a रूट t2 प्लस रूट t1, तो ये इतना टाइम लगेगा उस साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम
एंड वेयर टेम्परेचर इज टी वन एंड अनदर एंड एट टेम्परेचर टी टू, जो विड्थ होगी डी, तो इतना टाइम लगेगा, ये होगा आंसर। फिर इस साथ में ही इवेल्यूएट, कुछ वैल्यूज दे दी है तो ये वैल्यूज पुट करके और भी न्यूमेरिकल करना है, लेकिन वो तो सिर्फ कैलकुलेशन है, यहाँ तक ही आपका न्यूमेरिकल था। और ये अंडर रूट, ये जो वैल्यू है ये वी होगी, तो ये अंडर रूट नहीं होगा, ये वी की वैल्यू अंडर रूट में होती है, तो ये वैल्यू ये होगा आंसर। तो ये हमने टाइम फाइंड कर दिया टू ट्रैवल साउंड फ्रॉम टेम्परेचर टी वन टू टी टू, मतलब थ्रू विथ डी। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट में कहा कि ये वैल्यूज देगी, टेम्परेचर टी वन टी टू ये वैल्यू दी है तो कितना टाइम लगेगा, तो ये टी के लिए टू, डी की वैल्यू दी है 33 मीटर, ए टू 73 डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू 330, और ये अंडर रूट में टी टू की वैल्यू 280 प्लस अंडर रूट में 310, तो ये सॉल्व करके कुछ 96 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये 96 मिली सेकेंड शायद इतना टाइम लगने वाला है।